रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पांचे का डिज़ाइन, जो उम्मीद करती हूँ आपसे आपको अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये तात का कपड़ा ले लिया है, इसकी अब हम कटिंग करने लगे हैं। इसका मैं जो सादा कपड़ा है इसको इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। ये इसकी कटिंग हो गई है, अब हमने ले लेना है दरमियान कर लेना है। ये इस कपड़े का दरमियान है, ये मैंने निशान लगा लिया दरमियान पे, और हम इसकी कटिंग ऐसे ही कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 5 इंच, 5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिया। और अब इसको मैं इसके ऊपर रख के इसके ऊपर भी मैं निशान लगा लूंगी। ये यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे आएगा, और इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा आशिया लगा लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाएगा इसको लगाना कपड़े को। इसी तरह मैंने दोनों पांचों के काट के हमने दोनों पांचों के लगा देने हैं नीचे। ये भी मैं 5 इंच ले लूंगी। ये हो गया हमारा दूसरे पांचे का। अब मैं यहाँ इसके साइडों पे ऐसे सिलाई लगा लूंगी इस तरह से इसको अंदर करके। देखिए मैंने इसके इर्द गिर्द सिलाई लगा ली हुई है, ये सिलाई हमारी लग गई है। अब हमने इसके इर्द गिर्द कोई भी आपके पास डोरी पड़ी है, मेरे पास ये व्हाइट और ब्लैक कलर की डोरी पड़ी है, ये मैं इसके यहाँ पे रख के लगा दूंगी। ये डोरी इजिली बाजार से मिल जाती है, कई कलर्स में मिलती है, इसमें काफी मल्टी शेड है, इसलिए मैंने सोचा ये ब्लैक और व्हाइट वाली मैं इसके ऊपर रख के लगा देती हूँ। और अब मैं इसके ऊपर एक और काम करने लगी हूँ। ये मैंने स्टिकी पेपर ले लिया है, आप इसकी जो हमने लंबाई लेनी है वो लेनी है 5 इंच। आप इसकी कटिंग ये लंबाई ले लें, ये देखें 5 इंच, ये मैंने 5 इंच पे निशान लगा लिया रखेंगे। और यहाँ से हमने ये जितना चौड़ा है इतना ही लेना है, 5.5 इंच एक हो गया, तो 10 इंच इधर से भी हो गया, इधर से भी और इधर से भी। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये यहाँ तक हमारा निशान लगा था, ये मैंने वहां तक कटिंग कर ली है। अब हमने ये इसके ऊपर से जो कटिंग हमारी होनी है वो इस तरह से होनी है। ये हमारी कटिंग हो गई है, ये देखें। ये हमारा इस तरह से लगेगा। इसको मैं इस वाले कपड़े के ऊपर लगाऊंगी, इस कपड़े के ऊपर लगा के फिर हम इसको सिलाई लगाएंगे। मैं ये कपड़े स्टिकी पेपर इसके ऊपर लगा रही हूँ। दूसरे पांचे का भी आप इसी साइज में और इसी तरह कटिंग कर लें जिस तरह हमने ये कटिंग किया है। ये मैंने स्टिकी पेपर इसके ऊपर लगा लिया है। अब हमने इसके नीचे भी यहाँ पे भी कपड़ा रख के इसके यहाँ साथ साथ सिलाई करनी है, और यहाँ ऊपर वाली साइड पे भी हमने कपड़ा रख के साथ साथ सिलाई करनी है। तो ये वाला कपड़ा हम इस तरफ फोल्ड करेंगे, ये वाला कपड़ा हम इस तरफ फोल्ड करेंगे। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ, दोनों साइडों पे आपने कपड़ा रख के दोनों साइडों पे ही सिलाई लगानी है। देखिए मैंने इसके साथ साथ सिलाई लगा ली है, और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। हमने इसके साथ साथ से कटिंग कर लेना है इस तरह। सारी साइडों से कटिंग हो गई है, अब हम इसे दरमियान से भी कट कर लेंगे। ये मैंने इसे दरमियान में से भी कट कर लिया, और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है, ये देखें, ये मैंने पहले से सीधा किया हुआ, ये देखें। ये सीधा करके हमने यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाया था यहाँ पे हमने इसको रख के इसके यहाँ हमने साथ साथ सिलाई लगा देनी है, इधर इधर साथ साथ हमने इसके सिलाई लगा देनी है यहाँ पे रख के।
और इसकी इस वाली जगह पे भी आप कपड़ा लगा के इसको मोड़ लें, और अगर आप कपड़ा नहीं लगाना चाहते तो ये वैसे भी मुड़ जाएगा, ये देखें ये ऐसे भी मुड़ जाएगा, लेकिन अगर आप कपड़ा लगा के भी मुड़ेंगे तो भी मुड़ जाएगा, वो भी अंदर को जाएगा। ये देखें आप, मैं दिखा दूँ, इस तरफ भी सिलाई लगा लें और आप इस तरफ भी सिलाई लगा लें। ये देखें मैंने इसके दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली है, इस तरफ भी लगा ली है सिलाई और इस तरफ भी सिलाई लगा ली। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। और ये देखें मैंने डोरी की भी लाइन लगा ली है और ये नीचे से मैंने हीम भी कर ली है। ये हमारा पोंचो का डिजाइन रेडी है। अब हमने इसकी मेन सिलाई लगा लेनी है। आपने तंग रखने हैं तंग रख लें, खुले रखने हैं खुले रखने हैं, वो आपकी अपनी च्वाइस है। इसकी मेन सिलाई लगा ली है और ये देखें हमारा पोंचो का डिजाइन रेडी है। ये देखें कितना अच्छा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप ये किसी भी इस तरह आप कोई भी अपने कमीज का कपड़ा ले लें, आप किसी भी सादी शलवार के ऊपर इस तरह बना सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा लगेगा पहना हुआ आपका पोंचा। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।